डार्क मैटर जिसने साइंसदानों को परेशान कर रखा है, आखिर ये किस चीज का बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या ऑर्डिनरी मैटर को डार्क मैटर में तब्दील किया जा सकता है, और क्या हमारी कायनात डार्क फोर्स की वजह से स्टेबल है। 1933 में स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने ऑब्जर्व किया कि स्पेस में मौजूद गैलेक्सीज बहुत ही तेजी से घूम रही हैं, लेकिन इनमें विजिबल मैटर इतना नहीं था कि वो इतनी फास्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। आखिर ये गैलेक्सी स्टेबल कैसे हुई थी? ज़विकी का कहना था कि इन गैलेक्सीज में ऐसा मैटर मौजूद है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने इसका नाम डंकल मटीरियल रखा, जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क मैटर के राजों के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जब साइंसदानों से ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये डार्क मैटर क्या है, तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे तमाम कोशिश के बाद भी सुलझाया जा नहीं सका। अगर आसान अल्फाज में कहें तो ये मैटर की वो टाइप है जो हमारी कायनात के हर कोने में मौजूद है, लेकिन हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यहाँ तक कि किसी भी टेलीस्कोप से इसे नहीं देखा जा सकता। space.com के इस आर्टिकल के मुताबिक डार्क मैटर हमारी कायनात के टोटल मैटर का 80% है, यानी हमारी कायनात में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो मैटर का 20% से भी कम हिस्सा है, और इस कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा हम देख नहीं सकते। कुछ साल पहले साइंसदानों का मानना था कि डार्क मैटर असल में ब्लैक होल्स और ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपनी रोशनी खत्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नजर नहीं आते। लेकिन हाल ही की स्टडी के मुताबिक साइंसदान इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डार्क मैटर किस चीज से बनता है। नासा के मुताबिक ये वीकली इंट्रैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से बना है। ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन स्टार्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन से 100 गुना ज्यादा भारी होते हैं। वीकली इंट्रैक्टिंग मैसिव पार्टिकल ना तो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ना ही लाइट को एमिट करते हैं, और इसके साथ ही ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंट्रैक्ट भी नहीं करते। यानी कि वीकली इंट्रैक्टिंग मैसिव पार्टिकल हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर वो भी पार्टिकल्स हैं और फिजिक्स के कानून को फॉलो करते हैं, तो फिर एक चांस तो जरूर होगा कि ये किस प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन से टकराएंगे, और हमें इनके होने का पुख्ता सबूत मिल जाएगा। अब जरा इस रिपोर्ट को देखें, जिसमें चाइनीज पांडा एक्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। ये प्रोजेक्ट 2015 से लेकर 2018 के दरमियान चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में किया गया था, जिसमें डार्क मैटर के बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी, लेकिन साइंसदानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब साइंसदानों का कहना है कि डार्क मैटर विम से भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये जरूरी है कि डार्क मैटर सिर्फ एक पार्टिकल से ही बने हों? अगर हम ऑर्डिनरी डार्क मैटर की बात करें तो ये एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्टिकल से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क मैटर भी मुख्तलिफ पार्टिकल से बना हो? हो सकता है कि डार्क प्रोटॉन्स डार्क इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर डार्क एटम्स को बनाते हों, जिससे डार्क मैटर बनता हो। साइंसदानों के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो भी इनके दरमियान कुछ फंडामेंटल फोर्सेस भी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ऑर्डिनरी मैटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आपस में इंट्रैक्ट करते हैं। अब अगर डार्क मैटर में भी ऐसी फोर्स मौजूद है तो हम उन्हें डार्क फोर्स कह सकते हैं। ऑर्डिनरी मैटर के दरमियान जब फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्रिएट होती है। liveScience.com के एक आर्टिकल के मुताबिक इटली के साइंसदान डार्क फोटॉन्स को ढूंढ रहे हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स के बीम को उनके एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन के बीम को डिमोंड से कोलाइड करने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर डार्क फोटॉन्स मौजूद हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स की जब डायमंड के साथ टक्कर होगी तो ये दोनों मिलकर एक न्यू पार्टिकल्स को बनाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो हमें कायनात की पांचवी फोर्स मिलेगी, और फिर फिजिक्स की सारी किताबें दोबारा लिखी जाएंगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, अगर डार्क मैटर मुख्तलिफ पार्टिकल से बना होता है तो क्या इसके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं? डार्क मैटर की थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर अपने आप ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं,
यानी कि पार्टिकल भी वही होते हैं और एंटी पार्टिकल्स भी वही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डार्क मैटर के दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिग बैंग के पास जब पहले स्टार ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट करना शुरू की थी तो इस रेडिएशन की वजह से लेंथ 21 सेंटीमीटर हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब बिग बैंग को 20 करोड़ साल हो चुके थे और हमारी कायनत में हर जगह कोल्ड हाइड्रोजन फैली हुई थी। इस कोल्ड हाइड्रोजन से स्टार से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जज्ब करना शुरू कर दिया। फरवरी 2018 में जब साइंसदानों को इस रेडिएशन के कुछ सिग्नेचर मिले तो उन्हें पता चला कि ये कोल्ड हाइड्रोजन उनकी सोर्स से कुछ ज्यादा ही ठंडी है। इस प्रोजेक्ट के लीडर का कहना है कि इसके पीछे डार्क मैटर के वो पार्टिकल्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज से हाइड्रोजन से हीट को निकाल लिया होगा और इसे मजीद ठंडा कर दिया होगा, लेकिन अभी तक इस थ्योरी की कोई भी कन्फर्मेशन साइंसदानों के पास नहीं है। दोस्तों, डार्क मैटर के बारे में साइंसदान बहुत ज्यादा थ्योरीज देते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी कायनत में ऑर्डिनरी डार्क मैटर ही डिके होकर डार्क मैटर बनता है तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? इसे एक मिसाल के साथ समझते हैं। हमारी कायनत में मौजूद हर एटम के दरमियान एक न्यूट्रॉन जरूर होता है। ये न्यूट्रॉन उस वक्त तक पावरफुल होता है जब तक ये अपने एरिया में होता है, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ अकेला न्यूट्रॉन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। ये 14 मिनट और 30 सेकंड में डिके होकर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन टूट जाता है। लेकिन कुछ साइंसदान का मानना है कि यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। 2018 में की गई एक स्टडी के मुताबिक अगर हमारी कायनत के तमाम न्यूट्रॉन्स के डिके में से सिर्फ 1% डिके भी डार्क मैटर बना रहा है तो हमारी कायनत के बनने से लेकर अब तक डार्क मैटर का फॉर्म होना पॉसिबल है। साइंसदान का कहना है कि डार्क मैटर की फॉर्मेशन ऑर्डिनरी मैटर के डिके की वजह से भी हो सकती है। अमेरिका के साइंसदानों ने अपनी टीम के साथ न्यूट्रॉन डिके की वजह से डार्क मैटर की फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च की थी, लेकिन तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल सका जो इस थ्योरी को सही साबित कर सके। साइंसदान का कहना है कि जरूरी नहीं कि डार्क मैटर न्यूट्रॉन डिके की वजह से ही बने हों, इसके पीछे ऑर्डिनरी मैटर के किसी और पार्टिकल का भी हाथ हो सकता है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि डार्क मैटर को ढूंढने के लिए हम सही रास्ते पर है भी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं क्या वो मौजूद भी है या नहीं। साइंसदान का एक ग्रुप ऐसा है जिसका मानना है कि डार्क मैटर जैसी कोई भी चीज रियल में मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दूर मौजूद गैलेक्सीज के मिसिंग मैटर के पीछे कौन से राज छुपे हैं? उनके मुताबिक इसके पीछे की वजह से हमें मोंड यानी कि मॉडिफाई डायनेमिक्स में मिलती है। इस मॉडल को मानने वाले कुछ साइंसदान का कहना है कि डार्क मैटर मौजूद नहीं है। मैटर के कम होने के बावजूद दूर मौजूद गैलेक्सी की तेज स्पीड की वजह ग्रेविटी में छुपी हुई है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ सके। साइंसदान का कहना है कि ग्रेविटी गैलेक्सी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट पर अलग तरीके से काम करती है, लेकिन हम डार्क मैटर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।